إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين ये वो अजीम किताब है जिस पे मौजूदा दौरा चल रहा है और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस पे मुश्तमिल किताब है। ये किताब 10 मकासद पे मुश्तमिल है। पहला मकसद वो अकीदा से ताल्लुक रखता है और इस मकसद में 3 कुतुब हैं। इन 3 कुतुब में से दूसरी किताब का नाम है किताबुल ईमानी बिल यौमिल आखिर, यानी वो किताब जिसमें वो अहादीस होंगी जिनका ताल्लुक रोज़े आखरत से है। इस दूसरी किताब में कई फसलें हैं और हम 5वीं फसल पढ़ रहे हैं और वो क्या है, सिफतुल जन्ना व बयान अहलिहा, जन्नत के औसाफ और जन्नत वालों के औसाफ और जन्नत वालों का बयान। इस फसल में कई अबवाब हैं। आज हम 15वें बाब का आगाज करेंगे, बाब रिज़वानुल्लाहि अला अहलिल जन्ना। 15वां बाब क्या है, अल्लाह की रजा अहले जन्नत पे, यानी कि अल्लाह ताला अहले जन्नत पे राजी होंगे। हदीस नंबर 111 काफ, यानी कि इसे रिवायत करने वाले इमाम बुखारी भी हैं और इमाम मुस्लिम भी। अन अबी सईद अल खुदरी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, जनाब अबू सईद खुदरी से रवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला यकूलु लिअहलिल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत से कहेंगे, जन्नत वालों से कहेंगे, या अहलिल जन्ना, ए जन्नत वालो, फयकूलूना रब लब्बैक रब्बना व सअदैक, तो वो कहेंगे, कौन, जन्नत वाले कहेंगे कि हम हाजिर हैं ऐ हमारे रब और तेरी सआदत के तलबगार हैं। फयकूलु, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, हल रदीतुम, क्या तुम राजी हो, यानी कि जो कुछ तुम्हें मिल चुका उस पे राजी हो, क्या तुम अपने रब पे राजी हो। फयकूलूना, तो जनती लोग कहेंगे, वमा लना ला नरबा وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, और क्यों ना हम राजी हों, وَمَا لَنَا, और हमें क्या है, मा इस्तफामिया है, और हमें क्या है कि ला नर्दा, हम राजी ना हों। وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا, वाओ हालिया है, इनके हमें क्या है कि हम राजी ना हों, जबकि तूने हमें वो कुछ दिया है जो तूने अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दिया। इतनी तूने नेमतें दे दी हैं जो तूने अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दी, तो हम राजी क्यों ना हों। फयकूलु अना उअतीकुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, मैं तुम्हें दूंगा इससे भी अफजल, इससे भी बेहतर, यानी कि मैं तुम्हें वो चीज दूंगा
जो इन चीजों से बेहतर है जो तुम्हें मैं दे चुका हूं। अना उतीकुम, मैं तुमको दूंगा, अफ़ल मिन ज़ालिका, इससे बेहतर चीज। कालू या रब्बी, वो कहेंगे ए रब, वो अय्यु शैइन अफ़ल मिन ज़ालिका, वो कौन सी चीज है जो इससे भी अफजल है, जन्नत से अफजल क्या होगा। वो कहेंगे वो अय्यु शैइन, वो कौन सी चीज है अफजल मिन ज़ालिका, जो इससे भी अफजल है, इससे भी बेहतर है। फयकूल, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी, मैं तुम पे अपनी रिजामंदी नाजिल कर रहा हूं, यानी कि मैं तुम पे अपनी रिजा को उतार रहा हूं, मैं तुम पे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो रहा हूँ। उहिल्लु, मैं उतार रहा हूँ अलैकुम तुम पे रिज़वानी, अपनी रिजामंदी, यानी कि तुम्हें अपनी रिजामंदी में ढांप रहा हूँ। फला असखतु अलैकुम बादहु अबदा, मैं इसके बाद तुम पे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। तो ये हदीस बड़ी अजीम हदीस है, जिससे पता चल रहा है अल्लाह की रजा का जो अहले जन्नत को मिलेगी, और ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम में जन्नत का तस्करा करने के बाद कहते हैं वा रिज़वानु मिनल्लाह अकबर, कि अल्लाह की रजा वो इससे भी बड़ी नेमत है। और ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए तो सब कुछ मिलेगा, अल्लाह नाराज हो जाए तो इंसान हर नेमत से महरूम है। इसलिए अल्लाह का राजी होना ये बड़ी अहम चीज है, जन्नत से बड़ी नेमत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले जन्नत से गुफ्तगू की है, कलाम किया है। इससे पता चला अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है कि अल्लाह कलाम करते हैं। जैसे अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह हर आवाज को सुनते हैं, अल्लाह की सिफत है अल्लाह हर चीज को देख रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह कलाम करते हैं। और अल्लाह जब कलाम करते हैं तो उस कलाम में, उस कलाम की आवाज होती है और उस कलाम के हरूफ होते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला बशर से कलाम करते हैं, तो बशर अल्लाह के कलाम को सुनता भी है, समझता भी है। और यहां से ये भी पता चला इस हदीस से कि जन्नत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उससे बड़ी नेमत क्या, अल्लाह की रजा। इस हदीस से ये भी पता चला कि अल्लाह ताला देने वाले हैं, ये भी अल्लाह की सिफत है देना, फरमाया अना उतीकुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिका। और इस हदीस से ये भी पता चला कि अल्लाह की एक सिफत ये भी है, अल्लाह नाराज होते हैं, जैसे अल्लाह राजी होते हैं अल्लाह किसी पे नाराज भी हो जाते हैं। तो राजी होना, नाराज होना, ये भी अल्लाह की सिफात में से दो सिफतें हैं। हमारा इन पे ईमान है और हम इनको इनकी हकीकत पे मामूल करते हैं, गुमराह फिरके इन सिफात की तावील करते हैं, वो इनको इनके हकीकी मानी पे मामूल नहीं करते। उसके बाद हदीस नंबर 16 और बाब नंबर 16, बाबर के साथ बाब नंबर 16, कौन सा बाब है, बाब रुयतुल मुमिनीन रब्बहुम सुभानहु फिल आखिरा, मोमनों का अपने रब को आखिरत में देखना। 16वें बाब में वो अहादीस होंगी जिनसे पता चलेगा कि मोमन आखिरत में अपने रब को देख सकेंगे, क्योंकि दुनिया में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए दुनिया में अल्लाह का कोई भी दीदार नहीं कर सका, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए हैं, अल्लाह का कलाम सुना है, अल्लाह की आवाज में सुना है, लेकिन अल्लाह का दीदार नहीं कर सके। हमारे नबी अलैहिस्सलाम मेराज के मौका पे अल्लाह का कलाम बराए रास्त सुनते हैं, अल्लाह की आवाज में सुनते हैं, लेकिन आप भी अल्लाह की जियारत नहीं कर सके। लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला ये एजाज मोमिनों को बख्शेंगे, जैसा कि सूरह क़यामा में अल्लाह फरमाते हैं वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन कई चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की जियारत कर रहे होंगे, अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। तो हदीस नंबर 112 काफ, इसे रिवायत करने वाले कौन है, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी। अन अब्दुल्लाह इब्न कैस, ये हदीस अब्दुल्लाह बिन कैस से है। अब्दुल्लाह बिन कैस कौन है, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन कैस से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतानि मिन फिद्दतिन आनियतुहुमा वमा फीहिमा, दो जन्नतें
चांदी की हैं, उन जंतों के बर्तन भी और जो भी चीज उनमें है वो सब चीजें किसकी हैं? चांदी की हैं। वजन्नतानि मिन ज़हब, और दो जन्नतें सोने की हैं, गोल्ड की हैं। आनियतुहुमा वमा फीहिमा, उन दो जन्नतों के बर्तन भी और उन दो जन्नतों में जो चीजें मौजूद हैं वो भी गोल्ड की हैं, सोने की हैं। तो इन इब्तदाई अल्फाज से जन्नत के औसाफ का इल्म हुआ कि दो किस्म की जन्नतें चांदी की हैं, उनके बर्तन भी और उनकी हर चीज भी, और दो किस्म की जन्नतें गोल्ड की हैं, सोने की हैं, उनके बर्तन भी और उनकी हर चीज भी। फरमाया उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वमा बैन अल-क़ौम वबैन अन यंज़ुरू इला रब्बिहिम इल्ला रिदाउल किब्र अला वजहिही फी जन्नति अदन, और लोगों के माबैन और उनके रब के दीदार के माबैन कोई रुकावट नहीं होगी सवाए किबरियाई की चादर के। लोगों के माबैन और उनके रब की ज्यारत और दीदार के माबैन कोई चीज रुकावट नहीं है सवाए किबरियाई की चादर के। ये किबरियाई की चादर कहाँ होगी? अला वजही ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के चेहरे पे होगी। फी जन्नति आदनिन, कहाँ पे होगी? हमेशा की जन्नत में, उस जन्नत में जहां हमेशा रहना है, जहां क़याम करना है। आदन का मायना क्या? वो जगह जहां क़याम किया जाए, जहां पे रहा जाए और मुस्तकिल तौर पे रहा जाए। तो इस हदीस से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और लोगों के माबैन, यानी कि अल्लाह के दीदार और लोगों के माबैन, लोगों से मुराद कौन से लोग हैं? जन्नती लोग। माबैन रुकावट क्या होगी? किबरियाई की चादर जो अल्लाह के चेहरे पे होगी। जब अल्लाह वो हटा देंगे तो जन्नती लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कर सकेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे और आप सबको उनमें शामिल फरमाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के चेहरे का दीदार करेंगे। हम किसी को बददुआ नहीं देते, लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दीदार का इनकार करते हैं। तो खतरा है ऐसे लोगों के बारे में कि कहीं इनको इस नेमत से महरूम ना कर दिया जाए। कौन सी नेमत? अल्लाह के चेहरे का दीदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जियारत। और इस हदीस से भी पता चला कि अल्लाह का चेहरा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के चेहरे पे भी ईमान लाते हैं। अजीब हैं वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कही हुई बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, उनकी तावीलें करते हैं। साफ साफ कह रहे होते हैं कि ये जो लफ्ज है इसका जो हकीकी माना है वो मानना मुश्किल है, इसलिए इसकी तावील करेंगे। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका हकीकी माना मुराद नहीं लिया था तो अल्लाह ने वो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात बताते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दीगर खबरें देते हैं, और ये लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये अल्फाज अल्लाह के लिहाज से नामुनासिब हैं और इसलिए इनकी तावील की जाएगी। तो नऊज़ु बिल्लाह, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो मुनासिब नहीं थे, जिनका हकीकी मायना मुनासिब नहीं था, जिनको उनके उनके मजाजी माने पे मामूल करना जरूरी है? हदीस नंबर 113 मीम, यानी कि इसे रिवायत करने वाले कौन हैं? इमाम मुस्लिम रहिमहुल्ला, और तन्हा हैं उनके साथ इस अमल में इमाम बुखारी शरीक नहीं है। अन सुहैब, रवायत है किससे? सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु से, वो नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, इदा दखल अहलुल जन्नतिल जन्ना, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, قال, तो आप फरमाते हैं, यकूलुल्लाह तबारक व तआला, तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। इसका मतलब अल्लाह ताला कलाम करते हैं, और ये वो कलाम है जो अल्लाह बाद में करेंगे। इससे पता चला कि अल्लाह ताला जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं कलाम फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला कलाम करेंगे, क्या कहेंगे? तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम, क्या तुम कोई चीज चाहते हो जो मैं तुम्हें मजीद दूं? तुरीदून शैअन, क्या तुम कोई चीज चाहते हो? अज़ीदुकुम, जो मैं तुम्हें इजाफी तौर पे दूं, तुम्हें मजीद दूं? फयकूलून, तो जन्नती लोग कहेंगे, अलम तुबय्यिद वुजूहना, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमारे चेहरों को सफेद नहीं किया?
अलम तुदखिलना अलजन्ना, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया। वतुनजीना मिनन नार, क्या तूने हमें जहन्नम की आग से महफूज नहीं रखा, क्या तूने हमें जहन्नम की आग से निजात नहीं दी। यानी कि या अल्लाह तूने सारी बड़ी नियमतें हमें दे दी हैं, हमारे चेहरों को रोशन रखा, जहन्नम वालों के चेहरे स्याह हैं, हमें तूने जन्नत में दाखिल किया और बाकी लोग जहन्नम की आग में जल रहे हैं, तो नियमतें तो या अल्लाह तेरी सारी मिल चुकी। काल, तो नबी अलैहिस्सलाम शायद फरमाते हैं फयक्षिफुल हिजाबा, तो अल्लाह ताला हिजाब को हटा देंगे, दूर कर देंगे लोगों और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान जो हिजाब होगा, पर्दा होगा, उसको अल्लाह ताला हटा देंगे। फमा उतु शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम, तो उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दी गई होगी, किन को, अहले जन्नत को, उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दी गई होगी जो उन्हें अपने रब के दीदार से बढ़कर महबूब हो। जितनी भी चीजें मिली होंगी उनके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये दीदार उन्हें ज्यादा महबूब होगा, उन्हें ज्यादा प्यारा लगेगा। तो इससे पता चला कि अपने रब के चेहरे का दीदार ये जन्नतियों के यहां सबसे बढ़कर महबूब नेमत होगी। ज़ादा फी रिवायतिन, और एक रवायत में इजाफा आया है कि सुम्मा तला हादिल आया, कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि अल्लाह ताला हिजाब हटा देंगे तो जन्नतियों को अल्लाह के दीदार से बढ़कर कोई चीज महबूब नहीं होगी, इसके बाद आपने इस आयत की तिलावत की कि लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक अमाल किए, अच्छे अमाल किए, क्या है उनके लिए, अल हुस्ना, सबसे अच्छी चीज, और वो क्या है, जन्नत। व ज़ियादा, और इससे बढ़कर भी चीज मिलेगी, वो क्या है, ज़ियादा इजाफा, उससे मुराद क्या है, उससे मुराद अल्लाह के चेहरे का दीदार है। इसीलिए इस हदीस में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुरीदून शैयन अज़ीदुकुम, क्या तुम चाहते हो कोई चीज जो मैं तुम्हें मजीद दूं। तो आयत में भी क्या कहा गया, लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे अमाल किए, अल हुस्ना जन्नत है, व ज़ियादा, और मजीद एक चीज भी है, और इससे बढ़कर भी कोई चीज है, और वो क्या है, अल्लाह के चेहरे का दीदार। उसके बाद किताब के राइटर कहते हैं कि आप हदीस नंबर 76 देख लें। जी हाँ, हदीस नंबर 76 में भी, जो कि सफा नंबर 57 पे है, 57, और हदीस का नंबर क्या है, 76, वहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के चेहरे के दीदार का तस्करा है। सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह के रसूल, क्या हम रोजे क्यामत अपने रब को देखेंगे, तो आपने कहा कि तुम अपने रब को ऐसे ही वादे तौर पे देखोगे जैसे तुम सूरज को देखते हो जबकि उसके सामने बादल ना हो, जैसे तुम चौदहवीं रात के चांद को देखते हो जबकि उसके सामने बादल ना हो। दूसरी किताब अपने इख्ताम को पहुंची और अब तीसरी किताब का आगाज हो रहा है, यानी कि अकीदा पहला मकसद है इस किताब का, और अकीदे के जिम्मन में तीन कुतुब हैं। पहली किताब क्या थी, किताब इस्लामी वल ईमान, वो उन हदीस पे मुश्तमिल थी जिन हदीस का तल्लुक इस्लाम और ईमान से है। फिर दूसरी किताब हमने अभी पढ़ी है, वो क्या थी, किताब ईमान बिल यौमिल आखिर, वो अहदीस जिनका तल्लुक रोज़े आखिर पे ईमान लाने से है। और अब तीसरी किताब वो क्या, किताब उसारिफ अल ईमान बिल कदर, तीसरी किताब वो है जिसका ताल्लुक तकदीर पे ईमान लाने से है, कि तकदीर पे ईमान लाना चाहिए, इस बारे में ये तीसरी किताब है। अब इस किताब में कई अबवाब हैं, काफी सारे अबवाब हैं, तकरीबन 12 अबवाब हैं। उसके बाद दूसरा मकसद शुरू हो जाएगा। तो इस तीसरी किताब में 12 अबवाब हैं। पहला बाब क्या है, बाब अल ईमान बिल कदर खैरिही व शर्रिही, पहला बाब उन हदीस के बारे में है जिनसे पता चलता है कि तकदीर पे ईमान लाना जरूरी है। कौन सी तकदीर पे, खैरिही व शर्रिही, अच्छी तकदीर पे भी, बुरी तकदीर पे भी। क्या मतलब, इंसान के हक में जो कुछ हो रहा है
उनमें से कई चीजों को इंसान खैर समझता है, कई चीजों को शर समझता है। इंसान का मकान गिर पड़े तो वो इसको शर समझता है, इंसान से उसका बेटा वापस ले लिया जाए तो उसको शर समझता है, इंसान की दुकान में आग लग जाए तो उसे शर समझता है। तो ईमान लाया जाए कि जिसे इंसान खैर समझता है वो भी अल्लाह की तरफ से, और जिसे इंसान शर समझता है वो भी अल्लाह की तरफ से। जिसे इंसान खैर समझता है वो भी अल्लाह का, अल्लाह को पहले से मालूम है, जिसको इंसान शर समझता है वो भी अल्लाह को पहले से मालूम है। जिसको इंसान खैर समझता है वो भी अल्लाह के यहाँ पहले से लिखा हुआ है, और जिसको इंसान शर समझता है वो भी अल्लाह ताला के यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो तकदीर नाम है अल्लाह के इलम का, यानी कि अल्लाह पहले से जानते हैं जो आइंदा होने वाला है, अल्लाह को उसका अंदाजा पहले से है और अल्लाह ने उसे लिख रखा है। और आज जो भी दुनिया में हो रहा है वो खैर हो या शर, उस लिखे हुए के मुताबिक हो रहा है। तो तकदीर अल्लाह के इलम का नाम है। तो हमारा इस सब पे ईमान है। कई लोग इस मामले में गुमराह हुए, ऐसे गुमराह होने वाले लोगों को कदरिया कहते हैं। कदरिया इनके तकदीर के मुनकर, और ये कौन है, ये मोतजली हैं, अकल परस लोग जो अपनी अकल की वजह से कई इस्लामी अकायद को नहीं मानते, कई सही आदीस को नहीं मानते, और तकदीर को भी ये लोग नहीं मानते। ये कहते हैं कि अगर हम मान लें कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह को पहले से मालूम था, तो फिर ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है और ये इंसान पे जुल्म के मुतरादिफ है कि इंसान को सजा दी जाए उन कामों की, उन गुनाहों की जो पहले से लिखे हुए थे, जो पहले से अल्लाह को मालूम थे। अब अल्लाह का लिखा हुआ तो गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का इल्म गलत नहीं हो सकता, तो ये जुल्म ज्यादती है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला को हर चीज का तब पता चलता है जब वो वाकई हो चुकी होती है, वाकई हो रही होती है। अल्लाह को पहले से इल्म नहीं होता कि ये होगा। और ये कितना गंदा अकीदा है, आप अंदाजा करें कि अल्लाह को पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, जब हो रहा होता तब अल्लाह को पता चलता है। इन लोगों ने अपनी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत को जुल्म से पाक रखने की कोशिश की, जैसे हमारे वो भाई जो अल्लाह के नाम और सिफात की तावील करते हैं, वो भी अपनी तरफ से अल्लाह के साथ खैर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये सिफात अपने हकीकी माना में अल्लाह के लिए मुनासिब नहीं है। यही काम इन लोगों ने किया कि तकदीर, ये कहना कि अल्लाह को पहले से पता है और अल्लाह ने लिख रखा है और वैसे ही होगा जैसे अल्लाह ने लिखा हुआ है, ये तो अल्लाह के अदल के खिलाफ है। और वो ये भूल गया कि अगर हम कहेंगे अल्लाह को मालूम नहीं होता, तो ये तो अल्लाह को अलीम मानने के खिलाफ है, ये अल्लाह की सिफ्त इल्म के खिलाफ है कि अल्लाह को पता ही ना होगा क्या होने वाला है, तो ये तो कुफर के मुतरादिफ है। ऐसे लोगों के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर को पता चला था, तो उन्होंने कहा था इन लोगों को पैगाम दे दो कि मैं तुम लोगों से बरी हूं, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर तुम इसी अकीदे पे फौत हो गए तो उहुद पहाड़ के बराबर तुमने अल्लाह की राह में सदका खैरात दिया हो, गोल्ड दिया हो, अल्लाह कबूल नहीं करे। ईमान के अरकान कितने हैं? छह। अल्लाह पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, आसमानी किताबों पे ईमान, नबियों रसूलों पे ईमान, आखिरत पे ईमान, और तकदीर पे ईमान। तो तकदीर पे ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह को पहले से मालूम था, अल्लाह ने लिख लिया और उसी के मुताबिक हो रहा है, और ये इंसान पे कोई जुल्म नहीं है। इस अकीदे का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह इंसान को मजबूर करते हैं कि तुम वही करो तो मैंने लिख दिया है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यही तो गलतफहमी है लोगों की। असल में अल्लाह का इलम नाकस, अल्लाह का इलम कामल व मुकम्मल है, नाकस नहीं है। अल्लाह ने वही लिखा है जो इंसान ने करना था। चूंकि अल्लाह के इलम में कोई गलती नहीं है, तो इसलिए इंसान बिल्कुल वही कर रहा है जो लिखा हुआ है, और ये कतन नहीं है कि अल्लाह ने इंसान को मजबूर कर दिया है कि तुम वैसा करो जैसा मैंने लिख दिया है। तो ये जो पहला बाब है, इस बारे में तीन अहादीस की तरफ इशारा किया है इस किताब के राइटर शेख साले शामी ने। चूंकि वो अहादीस के तकरार से बचना चाहते हैं, अहादीस की गिनती कम रखना चाहते हैं, इसलिए इस बाब में तीन अहादीस की तरफ इशारा कर दिया है। एक पहले गुजर चुकी है, दो आइंदा आने वाली हैं, लेकिन वो अहादीस यहाँ पे जिक्र नहीं की हैं, नंबर दे दिए कि आप वहां पे देख लें। पहले नंबर पे हदीस नंबर 27, ये वही हदीस है, हदीस जिब्रील, कि जिब्रील इस्लाम आपके पास इंसानी शक्ल में आए थे, आपसे सवाल किया था किस बारे में, इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, एहसान के बारे में, क्यामत के बारे में, क्यामत की निशानियों के बारे में।
तो वहां पे आपने जब ईमान के अरकान बताए थे तो छठा रुकन क्या बताया था, तकदीर पे ईमान लाना। और दूसरे नंबर पे हदीस कौन सी है, 1520, ये हदीस किस बारे में है, तकदीर पे राजी होने के बारे में, कि इंसान को उस तकदीर पे राजी रहना चाहिए जो अल्लाह ने लिखी हुई है। और इसमें वो हदीस लेकर आएंगे जिसमें ये आता है कि अगर तुम पे कोई मुसीबत आए तो ये ना कहा करो काश मैं यूं कर लेता तो यूं यूं हो जाता, बल्कि ये कहा करो कदरुल्लाह, ये तो अल्लाह की तकदीर है, ये तो वो है जो पहले से लिखा हुआ था, वमा शा फाल, और अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है। जब दुनियावी मुसीबतें आए तो अब ये नहीं कि पूरी जिंदगी आप रोते रहें कि काश उस रात में यूं कर लेता तो यूं हो जाता, अब आप कहें कि जो हुआ ये तकदीर में लिखा हुआ था, इसने ऐसा ही होना था, मैं जो भी कर लेता अल्लाह की मशीयत ने नाफज होके रहना था। और ये मुसीबतें जो हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, तो यहाँ पे इंसान से ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे ऊपर मुसीबत क्यों आई, अलबत्ता अगर मुसीबत पे नाराजगी का इजहार करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर सवाल करेंगे। उसके बाद हदीस नंबर 1222, ये किस बारे में है, ये तकदीर से तकदीर की तरफ फिरार होने के बारे में है। और यहाँ इसकी तरफ मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं क्योंकि इस हदीस का ताल्लुक मौजूदा हालात से भी है, आजकल कोरोना की बीमारी है, नबी अलैहिस्सलाम ने ताऊन की बीमारी के बारे में एक हदीस बयान की थी। हुआ ये कि जनाब उमर फारूक शाम जा रहे थे जबकि वो खलीफा थे, लेकिन अभी वो तबूक में थे जो कि शाम के करीब है, तो पता चला कि वहां पे ताऊन की बीमारी फूट चुकी है। तो जनाब उमर फारूक ने सहाबा इकराम से मशवरा किया कि मैं आगे जाऊं या वापस मदीना जाऊं क्योंकि ताऊन की बीमारी है। तो कई सहाबा इकराम ने कहा आपने आप आगे जाएं, कई ने कहा आप वापस चले जाएं, कुछ लोग कह रहे थे आप आगे जाएं, आप डरते क्यों हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करें, और कुछ लोग कह रहे थे सहाबा इकराम आपके साथ इनको खतरे में ना डालें, आप वापस मदीना चले जाएं। बहरहाल आपने उन लोगों की राय को कबूल किया जो कह रहे थे कि आप वापस चले जाएं। जब अबू उबैदा बिन जर्राह को इस चीज का इल्म हुआ और वो उस इलाके में जिहाद के कमांडर थे जनाब उमर फारूक की तरफ से, तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या आप तकदीर से भाग रहे हैं, यानी कि जो अल्लाह का लिखा हुआ वो तो होकर रहेगा, आप आगे बढ़े शाम जाएं, आप तकदीर से भागकर पीछे हट रहे हैं। तो जनाब उमर फारूक ने क्या कहा था, कहा था लौ गैरुका कालहा या अबा उबैदा, अबू उबैदा ये अल्फाज किसी और ने कहे होते इनके तुम्हें जेब नहीं देते ये अल्फाज, या इसका मतलब यह कि अगर ये अल्फाज को और कहता तो मैं उसको बताता, अब तुम्हें मैं क्या कहूं, तुम्हारी एक शान है, तुम्हारा एक मकाम है। फिर कहा नाम नफिरु मिन कदरिल्लाह इला कदरिल्लाह, बिल्कुल मैं तकदीर से भाग रहा हूं, लेकिन भाग के कहां जा रहा हूं, तकदीर की तरफ ही जा रहा हूं, इनके अगर मेरे नसीब में ये लिखा है कि वापस मैं मदीना जाऊंगा तो इसलिए मैं मदीना जा रहा हूं, तो मैं जो भी करूंगा, उनका मतलब था कि मैं जो भी करूंगा वो तकदीर के आयन मुताबिक होगा, तो इसलिए मुझे तो पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है, मैंने अपनी तदाबीर इख्तियार करनी है, ये फारसी तदाबीर को अपनाना है, मैं जो कुछ करूंगा वो तकदीर के आयन मुताबिक होगा। अगर मैं मदीना जाता हूँ इसका मतलब है तकदीर में लिखा हुआ था कि उमर मदीना जाएगा, और अगर मैं शाम जाता हूं इसका मतलब है तकदीर में लिखा हुआ था कि मैं शाम जाऊंगा, तो इसलिए इंसान तकदीर का इंतजार ना करे, इंसान कुरान हदीस की तालीमात के मुताबिक वो कदम उठाए जो दुरुस्त हो जो मुनासिब हो। और जब नुकसान हो जाए तब अपने आप को हौसला दे, लोगों को हौसला दे, भाई बेटा रोने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, नुकसान बहुत हो गया लेकिन क्या हो सकता है, ये अल्लाह ने तकदीर में पहले लिख रखा था, हम जो भी कर लेते ये तो होना ही था। उसके बाद है बाब नंबर 2, क्या बाब है, बाब बदुल खल्की, ये बाब है मखलूक के आगाज के बारे में,
कि मखलूक का आगाज कैसे हुआ, किसको किस चीज से पैदा किया गया, इस बारे में ये बाब है। हदीस नंबर 114 मीम, यानी कि इसे रिवायत करने वाले कौन है, इमाम मुस्लिम। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم। أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائكة من نور, فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے کس چیز سے, نور سے, فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں, نور سے۔ وخلق الجان من مارج من نار, اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے آگ کے شعلے سے۔ جن کہاں سے پیدا ہوئے, آگ سے, مارج کا معنی کیا ہوتا ہے, شعلہ۔ وخلق آدم مما وصف لکم, اور آدم پیدا ہوئے ہیں اس چیز سے جو تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے, تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے, تمہیں بتا دی گئی ہے۔ کیا بتایا گیا آدم علیہ السلام کے بارے میں, کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں کئی جگہ پہ بتایا گیا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا ہوئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں فرشتوں, جنوں اور انسانوں کا پتہ چل گیا, تین مخلوقات کا, کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو فرشتے نور سے, جن آگ سے, اور آدم علیہ السلام مٹی سے, اور پھر باقی ان کی اولاد آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 115 میم, یعنی کسی روایت کرنے والے کون ہیں, امام مسلم۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما هو۔ جناب انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی جنت میں, یعنی کہ ان کی صورت بنائی, ان کا ڈھانچہ بنا دیا, تو ترکہ ما شاء اللہ یترکہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑے رکھا جب تک اللہ نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دی۔ یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی حالت پہ رہنے دیا جب تک اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام اسی حالت پہ رہیں, یعنی کہ ان میں روح نہیں پھونکی, اسی حالت میں ان کو رہنے دیا ایک عرصہ۔ اور عرصہ کتنا تھا, جتنا اللہ نے چاہا۔ فجعل ابلیس یطیف بہ, تو ابلیس آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگانے لگا, ینظر, وہ دیکھتا تھا, ما ہوا, یہ کیا چیز ہے۔ فلما رآہ اجوفا, تو جب اس نے دیکھا, رآہ آدم علیہ السلام کو اور ان کے اس ڈھانچے کو جب دیکھا, اجوفا, کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے, اندر سے خالی ہے, پیٹ والا ہے اور پیٹ اندر سے خالی ہے, عرفا, تو ابلیس نے پہچان لیا, جان لیا, انہ خلق خلقا لا يتمالک, کہ اس کو پیدا کیا گیا, کس کو, آدم علیہ السلام کو, خلقا, ایسی شکل میں کہ لا يتمالک, کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے۔ کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے, یعنی کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ کمزور ہیں, یہ اپنے آپ سے وسوسے کو دور نہیں کر سکتے, یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور یہ پیٹ خالی ہے, یہ پیٹ کو بھرنے کے لیے گناہ پہ آمادہ ہو سکتے ہیں, ان سے, اس مخلوق سے گناہ کروایا جا سکتا ہے۔ یا اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے, ان کے غصے میں آئیں گے تو غصے پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ اس نے پہچان لیا کہ انہیں ایسی شکل میں پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ کس لحاظ سے, یہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے, اس لیے علماء کرام پھر وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے کس لحاظ سے۔ کسی نے کہا اس لحاظ سے کہ یہ وسوسہ
दूर नहीं कर सकेंगे, शैतानी वसवसे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, या इस लिहाज से कि पेट की वजह से गुनाह करवाना इनसे मुमकिन होगा क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे, भूख की वजह से पेट भरने के लिए गुनाह करेंगे, या अपने ऊपर काबू नहीं रख सकेंगे, इसका मतलब क्या है कि गुस्से में आ जाएंगे, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कई मतलब इस के बताए गए हैं। लेकिन इस हदीस से भी क्या पता चला, बाब का क्या था, मखलूक का आगाज, तो पता चल रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम और इंसान की तखलीक और पैदाइश का आगाज कैसे हुआ, ये इस हदीस से हमें पता चल रहा है। उसके बाद क्या है, बाब नंबर 3, क्या बाब है, बाब अश्शैतानु व फितनतुहु अन्नास, शैतान और उसका लोगों को फितना में डालना, ये शैतान के लोगों को फितना में डालने के बारे में बाब है। इसमें शैतान का तस्करा भी आएगा और इस बात का भी कि वो लोगों को फितने में डालेगा। हदीस नंबर 116 मीम, यानी कि इसे बयान करने वाले कौन है, सिर्फ इमाम मुस्लिम। عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه। جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا ابلیس یضع عرشه, اپنا عرش لگاتا ہے, اپنا عرش قائم کرتا ہے, على الماء, کہاں, پانی پہ, ثم يبعث سراياه, फिर वो अपने लश्करों को भेजता है, अपने अर्श पानी पे लगाता है, फिर अपने लश्करों की ड्यूटियां लगाता है, उन्हें भेजता है, उन्हें रवाना करता है। सराया सरिया की जमा है, सरिया लश्कर को कहते हैं। फअदनाहुम मिनहु मंजिलतन आदमहुम फितनतन, तो उनमें से किन में से, उसके लश्कर वालों में से, तो उनमें से उससे सबसे करीब मकामो मर्तबा के लिहाज से वो होता है जो उनमें से सबसे बढ़कर फितना डालने वाला होता है। शैतान अपना मुकर्रब किसको बनाता है, अपने करीब कौन से चेलों को रखता है जो सबसे बढ़कर इंसानों में फितना डालने वाले हों, उनमें इख्तलाफात डालने वाले हों, उनको जुदा करने वाले हों, मियां बीवी में तलाक डालने का सबब बनने वाले हों। यजीउ अहदुहुम, उनमें से एक आता है, किन में से, ये लश्कर जो उसने भेजे थे, ये जो जिन उसने भेजे थे उनमें से एक आता है, फयकुल, तो वो कहता है फालतु कदा व कदा, मैंने इस तरह किया, मैंने इस तरह किया, अपनी रिपोर्ट देता है आने वाला और कहता है मैंने आज ये किया, उसको गुमराह किया, उससे गुनाह करवाया। फयकुल, तो शैतान आगे से कहता है मा सनअत शैअन, तूने कुछ नहीं किया, यानी कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, तूने कोई काबिले जिक्र काम नहीं किया, तूने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर मैं तुम्हें शबाश दूं। قال ثم يجيء احدهم, आप अली सब से हमने फरमाया ثم يجيء احدهم, फिर उनमें से एक और आता है, فيقول, तो वो कहता है ما تركته, मैंने उसे छोड़ा नहीं, किसको, यानी कि जिसको मैंने गुमराह करना था, जिसके पीछे मैं लगा हुआ था, उसको मैंने छोड़ा नहीं, हत्ता फरक्तु बैनहु व बैन इमरातिही, हत्ता कि मैंने उसके दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान मैंने जुदाई डाल दी, तफरीक मैंने करवा दी, उनको अलग मैंने करवा दिया, पीछे लगा रहा मैं, वसवसे डालता रहा, बीवी को खामन के खिलाफ भड़काता रहा, खामन को बीवी के खिलाफ भड़काता रहा, बीवी के जेन में खामन की ज्यादतियां डालता रहा कि तुम्हारे खिलाफ इसने ये भी ज्यादती की थी, तुम्हारे ऊपर ये भी ज्यादती की थी, और खामन के दिल में बीवी के खिलाफ डालता रहा कि इसकी ये आदत भी बुरी है, इसकी ये आदत भी बुरी है, इसकी ये आदत बुरी है, तो वसवसे में डालता रहा, माहौल बनाता रहा, हत्ता फरक्तु बैनहु वबैन इमरातिही, हत्ता कि मैंने उसके माबैन और उसकी बीवी के माबैन तफरीक दिलवा दी, जुदाई दिलवा दी। आला, आप अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयुदनीहि मिन्हु, तो शैतान इबलीस इस छोटे शैतान को करीब करता है, मिन्हु, अपने आप से,
वयखूलु कहता है निअमा अंता, तू कितना अच्छा है। और एक और लफ्ज में आता है कि उसको वो गले लगा लेता है, अपने जिस्म के साथ चिमटा लेता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शैतान के वार कितने खतरनाक हैं और शैतान मुसलमानों में जुदाई डालने को कितना पसंद करता है। अब मुझे यकीन है कि आप मुझसे यह हदीस सुन रहे हैं, तो मैं और आप ये हदीस पढ़ते हुए दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि वो ऐसी हरकतें करता है, अपने आप को भूल जाते हैं। ये काम हम में से कई लोग करते हैं और कई अनजाने में करते हैं, कई जान रहे होते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पे एक हमारी बहन किसी और बहन से मिलती है और जब उससे ये लफ्ज कहती है कि तुम्हारा खावंद तुम्हारे ऊपर बड़ी ज्यादती करता है, तुम्हारे वालदैन ने यहाँ तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी फैमिली कितनी पढ़ी लिखी थी, और ये तो ये औरत दूसरी औरत को उसके खावन के खिलाफ भड़का रही है, ये फौरन तलाक नहीं होगी, ये ऐसे माहौल बनता रहेगा, आग लगती रहेगी, और ये अब खावन से जब मिलेगी तो उसके दिल में खावन के खिलाफ नफरत होगी, आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, उसके काम नहीं करेगी, बदतमीजी करेगी और आस्ता आस्ता तलाक का माहौल बन जाएगा। ऐसे ही लड़का लड़के को कहता है, बड़ी जाहिल लड़की तुम्हें मिली है, बहुत अफसोस है तुम्हारे वालदैन पे, उन्होंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। तो ये अल्फाज जो हम कहते हैं ये हम शैतान की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और सही हदीस अबू दाऊद शरीफ वगैरह की, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं जो किसी औरत को उसके खाम के खिलाफ भड़काए। उसके बाद हदीस नंबर 117 मीम, इसको रिवायत करने वाले कौन है? इमाम मुस्लिम। عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب। جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ شیطان قد ایسا، تحقیق مایوس ہو چکا، کس چیز سے؟ اس بات سے کہ ان یعبدہ المصلون، کہ نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں، فی جزیرت العرب، جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب میں، مکہ مدینہ میں، ریاض میں، یہ جو سارا علاقہ جس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے، یہاں پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ شیطان کی عبادت کریں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا اور جان چکا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ولکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ ان نمازیوں کے مابین لڑائی جھگڑا کرانے میں مایوس نہیں ہوا، اس معاملے مایوس نہیں ہوا، اس بات کی امید اسے رہتی ہے کہ میں ان میں لڑائی جھگڑا کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس بات سے وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں یہ نمازی اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، سوال کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں اب شرک نہیں ہوگا، ریاض میں شرک نہیں ہوگا، اور یہیں سے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو قبر والوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، انہیں رکوع کرتے ہیں، ان کے نام کے طواف کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظریں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ایسے ہی شرک شرک لگے رہتے ہو مکہ مدینہ میں، اس علاقے میں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ شیطان مایوس ہو چکا، یہاں پہ اب شیطان کی عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ دیگر احادیث کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر آپ اس حدیث کا صحیح معنی جان سکیں گے۔ آپ لوگوں نے شاید وہ حدیث سنی ہو، بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کئی قبائل مشرکین سے جا نہیں ملیں گے، شرک کا ارتکاب نہیں شروع کر دیں گے،
और आप ये भी जानते हैं कि नबी इस्लाम आखिरी वक्त तक शिर्क से रोकते रहे। फौत होने से पहले आप कह रहे थे कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पे कि उन्होंने अपने नबियों और सालिहीन की कब्रों को सजदा गाहें बना लिया था। अगर इन चीजों का खतरा नहीं था तो आप क्यों बार बार रोक रहे थे? आखिरी वक्त तक शिर्क से आपने क्यों रोका? इसलिए कि शिर्क का वकूह मुमकिन है और शिर्क का वकूह हमारे सामने हो रहा है। शिर्क तो अल्लाह के रसूल कैसे कह सकते हैं कि शिर्क नहीं होगा? इन अल्फाज का ये मतलब नहीं है कि शिर्क नहीं होगा। इन अल्फाज के क्या मानी है इस बारे में दो कौल आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला कौल ये है कि आपने कहा शैतान मायूस हो चुका है और शैतान आलिमुल गैब नहीं है। शैतान ने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं तो मायूस हो गया इस्लाम के गलबा को देखकर, इस्लाम की फतुहात को देखकर और फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने वाले लोगों की कसरत देखकर मायूस हो गया कि अब लगता है कि जज़ीरा अरब में मेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, बुतों की इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये उसका इलम है और उसका इलम नाकस है, वो आलिमुल गैब नहीं है। शिर्क बाद में हुआ, वो मायूस हो गया था लेकिन उसकी मायूसी आर्दी साबित हुई। और दूसरा इस हदीस का मतलब ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि जजीरा अरब में सारे के सारे मोमन मुशरक मान जाएं और शैतान की इबादत शुरू हो जाए। नहीं, हमेशा जजीरा अरब में कई लोग तौहीद पे रहेंगे, शिर्क से दूर रहेंगे। शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि जजीरा अरब के सारे मोमन उसकी इबादत शुरू कर दें। और ये दूसरा मतलब जो है किसने बताया है? इमाम इब्ने रजब रहिमहुल्ला ने बताया है। इसी बाब से ताल्लुक रखती हैं दो और अहादीस, हदीस नंबर 735 और हदीस नंबर 1522। इन दो हदीसों में बयान है इस चीज का कि शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, ऐसे गर्दश करता है जैसे खून गर्दश करता है। तो इसलिए शैतान से बचकर रहना चाहिए, शैतान के फितने बड़े खतरनाक होते हैं। बाब नंबर 4, ये क्या है? बाब खल्कुल आदमी फी बतनी उम्मी, इंसान का अपनी मां के पेट में पैदा होना, इंसान की अपनी मां के पेट में तखलीक और पैदाइश, इस बारे में ये बाब है। हदीस नंबर कौन सी है? 118। आफ यानी कि इसे रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी भी और इमाम मुस्लिम भी। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान किया, आपने हमें बताया, वहुवा सादिकुल मसदूक। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं आपने बताया जबकि आप कौन हैं? आप सादिक भी हैं, आप मसदूक भी हैं। क्या मतलब? सादिक आप सच कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जो भी दीन बयान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बयान किया, अपनी तरफ से कोई बात बयान नहीं की। और अल मसदूक, आपको जो दिया गया वो भी सच पे मबनी था, ऐसा नहीं है कि जो ऊपर से नाजल हो रहा था वो झूठ था। आमतौर पे क्या होता है, जो नबूवत के दावे करते हैं, जो दज्जाल होते हैं, या तो खुद फ्रॉडी होते हैं, शोहरत हासिल करने का शौक होता है, अपने आप को नबी बावर कराते हैं, अपने आप को वली बावर कराते हैं कि मेरे ऊपर गैबी खबरें नाजिल होती हैं, और या वो खुद ठीक होता है लेकिन शैतान उसके साथ खेल रहा होता है, शैतान उसको धोखे दे रहा होता है।
और वो समझता है कि जो बातें मेरे जहन में डाली जा रही हैं शायद अल्लाह की तरफ से हैं, हालांकि वो शैतान के वसवसे होती हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह को, उन्होंने अपनी कुतुब में कई जगह लिखा है कि मुझसे कई दफा हाजियों ने कहा कि हमने आपको मैदान अरफात में देखा है, किसी ने कहा हमने आपको मक्का देखा है। अब अगर इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फराडी होते तो वो कहते मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं एक ही वक्त में शाम और दमिश्क में भी होता हूँ, मक्का में भी होता हूँ, अरफात में भी होता हूँ, पहुंची हुई सरकार हूँ। लेकिन फराडी नहीं थे, वो इन हाजियों से कहते थे, और होता तो वो कहता जब हाजी ये बातें बयान करते थे आकर तो सुनने लोगों से कहता सुन लो भाई ये हाजी तुम्हारे सामने बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरी शान सुन लो इनसे, मेरा मेरी इकरामत सुन लो। लेकिन इब्ने तैमिया क्या कहा करते थे, ये मेरी शक्ल में शैतान आया होगा, मैं तो यहां से गया ही नहीं, मैं तो इधर ही हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम सादक भी हैं मसदूक भी हैं, सच कहते हैं और अलमसदूक आपसे सच कहा गया है। तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, इन खल्क अहदिकुम युजमाउ फी बतनी उम्मी अरबाईन यौमा व अरबाईन लैला। ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, जैसे आप पे नाज़िल करता कुरान मौजज़ा है, ये हदीस भी मौजज़ा है, कई अहदीस मौजज़ा की हैसियत रखती है। यहाँ पे देखिए कि आज से 1440 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ के पेट में कितने मराहल तय करता है और हर मरला कितने अय्याम पे मुश्तमिल होता है। क्या उस जमाने में मक्का में ये साइंसी लेबॉरेटरियां थी? क्या उस जमाने में अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद थी? नबी अलैहिस्सलाम ने ये मालूमात, बारीक मालूमात कहां से दी? इससे पता चला कि आप वाकई अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, और वाकई आपको अल्लाह खबरें दे रहा था, जो इंसान का खालक है, जो माँ के पेट में बच्चे को पालता है और पैदा करता है। तो ये हदीस दलील है कि आप वाकई सच्चे नबी थे, झूठे नबी नहीं थे। इतनी सदियां पहले आपकी बयान की गई हदीस, आज की साइंस इसकी तस्दीक कर रही है और इसकी तकदीब नहीं करती। लेकिन याद रखिएगा, बतौर मुसलमान हम इस हदीस को मानते हैं, इसलिए नहीं कि साइंस तस्दीक करती है, साइंस इसकी तस्दीक करे ना करे, हमें नबी अलैहिस्सलाम पे इत्माद है। साइंस झूठी हो सकती है, अल्लाह के नबी झूठे नहीं। लेकिन जब साइंस भी आपके हदीस की तस्दीक करती है तो हमारे ईमान में इजाफा होता है, हमारे यकीन में इजाफा होता है, हमें सुकून मिलता है कि वाकई हमारे नबी ने इतने 100 साल पहले जो बातें की थी वो दुरुस्त थी, कि आज की साइंस और आज के साइंसदान भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो आप क्या फरमा रहे हैं, इन नखल का अहदिकुम, बेशक तुम में से किसी एक का मादा तखलीक, वो मादा जिससे पैदा होता है इनका नुतफा, तुम में से किसी एक का मादा तखलीक युजमाऊ जमा किया जाता है, रखा जाता है, फी बतनी उम्मी ही उसकी माँ के पेट में, अरबाइन यौमन 40 दिन तक, व अरबाइन लैलतन और 40 रातों तक। तो ये पहला मरला आपने बता दिया कि नुतफा अगर माँ के पेट में ठहर जाए, मर्द का नुतफा माँ के पेट में ठहर जाए तो 40 दिन तक वो नुतफे की शक्ल में रहता है, ثُمَّ يَقُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है, मिसलहु, इतनी मुद्दत तक जितनी मुद्दत पहले बताई गई है। पहले मुद्दत कितनी बताई गई थी, नुतफा कितने दिन तक रहता है, 40 दिन तक। तो 40 दिनों तक वो क्या रहता है, जमे हुए खून की शक्ल में रहता है। ये दूसरा मरला हो गया। और कितने महीने हो गए, 40 और 40 कितने हो गए, 80, तो 3 महीने से कुछ कम। ثم يكون مضغة مثله, फिर तीसरा मरला आपने बताया, फिर वो क्या बन जाता है, गोश्त का टुकड़ा बनकर रहता है, मिथलहु, इतनी मुद्दत, कितनी, 40 दिन, 40 40 40 कितने हो गए, 120 दिन, कितने महीने हो गए, 4 महीने।
इसका मतलब यह है कि 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक उसमें रूह नहीं फूंकी गई। ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ, फिर उसकी तरफ भेजा जाता है किसको, फरिश्ते को। अब फरिश्ता आता है जी, फिर उसकी तरफ फरिश्ते को भेजा जाता है। فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ, तो उसे 4 चीजों के बारे में बताया जाता है किसको, फरिश्ते को। वो 4 चीजें क्या है वो आगे आ रहा है। فَيَكْتُبُ, चुनाचे वो फरिश्ता लिखता है, رِزْقَهُ, इस पैदा होने वाले बच्चे का रिजक, इसको रिजक कितना मिलेगा दुनिया में। वो अजलहू, और उसकी उम्र लिखता है कितनी इसकी उम्र होगी। वो अमलहू, और उसके अमाल लिखता है इसके अमाल कैसे होंगे। वो शकीयुन अम सईद, और उसके बदबخت या सआदत मंद होने के बारे में लिखता है इसके नसीब कैसे होंगे। तो कितनी चीजें लिख दी गई हैं, 4 चीजें। हमारा बाप किताब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, तकदीर पे ईमान लाने के बारे में। तो ये भी एक तकदीर है। एक तकदीर वो है जो आसमानों जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दी थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गौर करें, आसमानों और जमीन की पैदाइश से, हम तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, आसमानों जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने हर चीज की तकदीर लिख दी थी। अब ये फरिश्ता जो लिखता है ये क्या है, क्या ये भी तकदीर है? तो ये वो तकदीर है जो असल तकदीर से ली गई है। असल तकदीर के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, कि अल्लाह ही के पास असल किताब है। सूरह रात की ये आयत है, अल्लाह ही के पास असल किताब है, इनकी तकदीर लिखी हुई तकदीर। तो वहां से ये मालूमात इस फरिश्ते को दी जाती है, वरना उस किताब में इस पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ 4 चीजें नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये कितनी चीजें लिखी गई हैं, 4 चीजें। इसको रिजल्ट कितना मिलेगा, ये 4 चीजें लिखकर उन फरिश्तों को दे दी गई हैं, जिन फरिश्तों ने इस चीज पे अमल करना है। तो चुनाचे वो लिखता है इसका रिजक, इसकी उम्र, इसके अमाल, और इसके बदबخت होने के बारे में, सआदतमंद होने के बारे में। अब जनाब वाला लिखा गया है रिजक, मैं तो चाहूंगा आपकी, लिखा गया है रिजक, लिखी गई है उम्र, और लिखे गए हैं अमाल। अब जनाब क्या होता है, मुझे बतौर मुसलमान पता है कि मुझे रिजक मिलकर रहना है, कौन सा रिजक जो तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं रिजक के लिए मेहनत करता हूँ। सुबह सुबह 8 बजे निकलता हूँ, सर्दियों के दिनों में निकलता हूँ, कोरोना के यहां में निकलता हूँ। क्यों, रिजक चाहिए, बेगम को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, मकान बनाना है। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि मैं काम पे नहीं जाया करूंगा, रिजक जो लिखा हुआ है वो घर में मुझे मिल जाएगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने छोटे से बच्चे को मैं सर्दी और गर्मी में बड़ा सा बैग उसकी पीठ पे लाद कर, किताबों से भर कर उसे स्कूल भेज देता हूँ। अभी उसकी उम्र 3.5 साल होती है, 4 साल होती है, क्यों, पढ़ेगा, लिखेगा, ऑफिसर बनेगा, ये कमाएगा, रिजक आएगा, रिजक की तैयारी शुरू होगी। बेचारा भी 3.5 साल का है, क्यों, क्योंकि अगर अभी मैं इससे मेहनत नहीं करवाऊंगा, अभी ये आराम करेगा तो कल को परेशान होगा। तो हम तदबीर इख्तियार करते हैं, यहाँ पे तकदीर का सहारा नहीं लेते, और यहाँ पे हम संजीदा हैं। अच्छा, रिजक भी लिखा गया है और उम्र भी लिखी गई है। मेरा बेटा बीमार हो जाए, मैं खुद बीमार हो जाऊं, इलाज करवाता हूँ इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इस हकीम के पास, उस हकीम के पास, इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में, अपनी पूरा अपना जोर लगा देता हूँ जिंदगी बचाने के लिए। हालांकि तकदीर में जो उम्र लिखी है वो मुझे मिलकर रहनी, लेकिन यहाँ मैं तकदीर का सहारा नहीं लेता। और जब आती है तीसरी चीज की बारी, वो क्या है, आमाल। तो अब कहा जाए, आओ जी हाजी साहब, अजान होगी, नमाज पढ़ी, तकदीर में लिखा होगा तो नमाज पढ़ लूंगा, नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या करूं, रोजा रखें जी, जी तकदीर में लिखा ही नहीं था रोजा, लिखा होता तो मैं रख लेता, हज करने क्यों नहीं जाते, ये तकदीर में नहीं लिखा हुआ था जी। तो ये इंसान किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को,
अगर तुम सच्चे हो तो जो तुम्हारा रवैया नेकियों के मामले में है, गुनाह के मामले में है, वही तुम्हारा रवैया रिजक के मामले में होना चाहिए, जिंदगी के बारे में होना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां पे वो करते हैं जो करना चाहिए और रिजक के बारे में जो करते हैं करना चाहिए। तकदीर के इंतजार में घर में बैठे रहना ये नबियों की सुन्नत नहीं है अलैहि वसल्लम। आप रिजक के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेहनत कीजिए, असबाब अख्तियार कीजिए। जंग हो रही है, हेलमेट पहनिए। अल्लाह के रसूल खुद पहनते थे, जीरा पहनते थे, आप भी पहनिए। और ऐसे ही रिजक के लिए अल्लाह के रसूल ने बकरियां भी चराई हैं, कारोबार किया है, सहाबा इकराम ने कारोबार किया, सब कुछ कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए। लेकिन ये मेहनत आप नेक अमाल के लिए भी कीजिए। रात को अलार्म लगाइए कि मैंने सुबह कब उठना है, 3:30 बजे उठना है, फजर की नमाज मैंने जमात के साथ पढ़नी। लेकिन यहाँ पे अलार्म कितने बजे का लगता है? सुबह 8 का ऑफिस के टाइम का, सुबह 7 का स्कूल के टाइम का, कॉलेज के टाइम का। और शेख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह कहा करते थे कि जो रात ही आजम कर ले कि फजर की नमाज मैंने नहीं पढ़नी और 8 बजे उठना है, ऐसा आदमी काफर हो जाता है। बहरहाल तकदीर का मामला चूंकि हसास है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी तफसील बयान कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग इस मामले में गुमराह हो गए हैं। और तकदीर की अहदीस पढ़ते हुए, तकदीर के मौजू पे पढ़ते हुए अल्लाह से पहले दुआ कर लिया करें कि या अल्लाह मुझे, मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊं। क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि तकदीर को हम 100% समझ लें, जबकि हमारी अकल महदूद है, हम तकदीर को 100% समझ नहीं सकते। लेकिन आप हुस्ने ज़न रखें अपने अल्लाह पे, अल्लाह बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। तकदीर की शक्ल में अल्लाह ने जो किया है अज़ल व इंसाफ पे मबनी है, उसमें कोई भी मेरे ऊपर जुल्म नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, नेकियां करना, गुनाहों से बचना, और अल्लाह ताला मेहरबानी करने वाला है। उसके बाद क्या जी, सुम्मा यनफुखु फीहि रूहा, फिर वो फूंकता है इसमें, किसमें? इस बच्चे में, रूहा, रूह को। लो जी, अब रूह फूंक दी गई है, अब ये क्या बन गया है? अब ये बच्चा बन गया है। और यहां पे एक बात नोट कीजिएगा कि अब रूह फूंकी गई है, इसीलिए उलमाए किराम आपसे कहते हैं कि अगर बच्चा मां के पेट से मुर्दा बाहर निकले जबकि उसकी उम्र कितनी है, 4 महीनों से ज्यादा, तो आप उसका जनाजा पढ़ें। अगरचे जरूरी नहीं है लेकिन पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, वह सिक्तु युसल्ला अलैहि, वो बच्चा जो मुर्दा पैदा हो, ना मुकम्मल हो, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। तो अब ये जनाजा, क्योंकि रूह फूंकी जा चुकी है, लेकिन अगर वो मां के पेट से बाहर निकले 70 दिनों के बाद, तो अभी तो उसकी उसकी पूरी शक्ल भी नहीं बनी थी, तो उसको बच्चा कह ही नहीं सकते, उसको मैयत कह ही नहीं सकते, तो उसका फिर जनाजा बिल्कुल नहीं होगा। वो तो एक टुकड़ा है बस, जमा वकून है, गोज की बोटी है, तो उसका जनाजा नहीं होगा। और यहां पे यहीं से मेरी माएं बहनें मसला सुन रही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो महसूस नहीं करेंगी, बल्कि वो शरीयत के मसाइल को समझने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आम तौर पे फिर ऐसे मसाइल बताने वाला कोई मिलता नहीं है कि अगर 4 महीने से ऊपर उम्र थी किसकी, हमल की, तो अब वो हमल जो है साकित हो गया, अब जो खून आ रहा है वो कौन सा खून है? वो निफास का खून है, जिसका मतलब यह है कि औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, रमजान के रोजे नहीं रखेगी ना याम में, जब तक ये खून खत्म ना हो जाए। खत्म होने में चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 15 दिन, 40 दिनों की मुद्दत आखिरी मुद्दत है। अफसोस होता है कि कई माएं बहने इस कदर नावाकफ है शरीयत से कि खून खत्म हो जाता है 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, और वो कहती हैं कि हमने 40 दिन पूरे करने हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 40 दिन तो आखिरी मुद्दत है। 40 का मतलब ये है कि 40 दिन हो गए और खून अब भी जारी है, तो औरत को हुक्म है कि गुसल करो, नमाजें शुरू करो, अब इस खून का इतबार नहीं होगा। तो 40 आखिरी लिमिट है, वरना अगर विलादत के 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद खून खुशक हो जाता है, तो औरत नमाज गुसल करके नमाज शुरू कर दी। और अगर ये साकत हुआ है 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, तो अभी तो वो बच्चा नहीं बना था, अभी तो मैयत नहीं थी, तो फिर ये खून क्या होगा? ये फासद खून होगा, और इस खून की हालत में ये निफास का खून नहीं होगा, औरत नमाजें पढ़ेगी, गुसल करके नमाजें पढ़ेगी।
तो बहरहाल थुम्मा यनफुखु फिर रूहा, तो फिर वो इसमें क्या फूंक देता है, रूह को फूंक देता है। फइन अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिल जन्ना, बस बेशक तुम में से कोई, लयअमलु यकीनन अमल करता है, लाम ताकीद के लिए है, यकीनन अमल करता है, बिअमल अहलिल जन्ना, कौन से अमाल, जन्नत वाले, जन्नत वालों के अमाल, वो अमाल करता है जन्नत वालों के होते हैं। यानी तुम में से कोई एक पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहता है, रोजे रखता रहता है, हज करता है, उम्रे करता है, तलावतें करता है, गुनाहों से दूर रहता है, हत्ता ला यकून बैनहा व बैनहु इल्ला ज़िरा, यहां तक के नहीं रहता बैनहा इस जन्नत के माबेन व बैनहु इस आदमी के माबेन इल्ला ज़िरा मगर एक हाथ। यानी कि ये नेक अमाल जन्नतियों वाले अमाल करता रहता है और जन्नत जाने में फासला रह जाता है सिर्फ एक हाथ का। फिर क्या होता है, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, तो इस पे غالب आ जाता है, الْكِتَابُ लिखा हुआ, तकदीर غالب आ जाती है, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, तो वो जहन्नमियों वाले आमाल करता है, فَيَدْخُلُ النَّارَ, चुनाचे वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। यहाँ पे रुकिएगा, हदीस बड़ी अहम है, ये अल्फाज भी ऐसे हैं जिनको ना समझने की वजह से कई लोग गुमराह हो गए, अल्लाह मुझे और आपको गुमराही से महफूज रखे। कहते हैं देखो जी, पूरी जिंदगी जन्नतियों वाले अमल करता रहा और आखिरी जिंदगी में तकदीर गालब आ गई, उसका क्या कसूर है, तकदीर गालब आने की वजह से जहन्नम वाले अमल करता है, जहन्नम में दाखिल हुआ है। असल में ये जो जुमला है, इस जुमले में दो तीन लफ्ज हैं जो कुछ रिवायात में आए, कुछ में नहीं आ सके। वो क्या है कि फइन अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिल जन्ना फीमा यबदु लिन्नास, ये अल्फाज नोट कीजिए, फीमा यबदु लिन्नास, कि तुम में से कोई जन्नतियों वाले अमल करता रहता है, वो जन्नतियों वाले अमल होते हैं लोगों की निगाह में, इनके बजाहिर वो अमल करता कर रहा होता है, कौन से जन्नतियों वाले, हकीकतन नहीं, लोग ये समझ रहे होते हैं जन्नतियों वाले अमल कर रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि अंदर से वो रियाकार हो, आपको क्या पता अंदर से वो मुनाफिक हो, आपको क्या पता हो कि तन्हाई में वो कितने बड़े जराइम का इर्तिकाब करता है। तो लोगों की निगाहों में जन्नतियों वाले अमल कर रहा होता है तो फिर तकदीर गालब आ जाती है, और फिर वो कौन सी अमल करता है, जहन्नमियों वाले, इनके फिर वादे तौर पे जहन्नमियों वाले अमल करता है, फयदखुलुन नार, तो फिर कहां वो दाखिल हो जाता है, जहन्नम की आग में दाखिल हो जाता है। वइन अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार, और बेशक तुम में से कोई यकीनन अमल करता रहता है, कौन सी अमल, जहन्नम वालों के अमल, गुनाहों का इर्तिकाब करता रहता है, और यहाँ पे भी वो लफ्ज है, यानी कि लोगों की निगाहों में वो कौन से अमल कर रहा होता है, जहन्नमियों वाले अमल, हत्ता मा यकून बैनहा व बैनहुल्ला दरा, यहाँ तक के नहीं बाकी रह जाता बैनहा जहन्नम के माबैन व बैनहु इस आदमी के माबैन इल्ला दरा मगर एक हाथ, फयस्बिकु अलिल किताब, तो फिर उस पे सबकत गालब आ जाती, कौन, तकदीर लिखा हुआ गालब आ जाता है, फयअमलु अमल अहलिल जन्ना, तो फिर वो जन्नतियों वाले अमाल करता है, फयदखुलुहा, और फिर वो कहाँ दाखिल होता है, वो फिर दाखिल होता है किसमें, जन्नत में। इसलिए अल्लाह से इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए और कसरत से दुआ किया करें, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को ना फेरना, मेरे दिल को अपने दीन पे, अपनी तौहीद पे कायम व दायम रखना। ये दुआ कसरत से किया करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से किया करते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, ये दुआ भी कसरत से किया करें कि ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हदायत मिलने के बाद टेढ़ा ना करना, कज ना करना। उसके बाद किताब के राइटर शेख सालेह शामी क्या कहते हैं, कहते हैं आप देखें हदीस नंबर 129, उसमें ये लफ्ज भी आए हैं कि वो अमल कर रहा होता है लोगों की निगाह में जन्नतियों वाले अमल। तो ये वही चीज है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और आखिर में शेख साहब ने भी तंबीह की हुई है कि एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं तो उनकी रोशनी में इस हदीस को समझा जाए। तो हदीस क्या थी, इंसान की अपने माँ के पेट में पैदाइश, तखलीक। तो आपने देखा कि ये जो मराहल बयान किए हैं अल्लाह के रसूल ने,
کہ 40 دن نطفہ، 40 دن جمع ہوا خون، 40 دن گوشت کا ٹکڑا، اور پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر بچہ حرکت شروع کر دیتا ہے، ماں بھی محسوس کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بتایا ویسے آج ہو رہا ہے، اور ہر ماں اس کی تصدیق کرے گی. اللہ اکبر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے، اور یہ وہ دلائل ہیں جو آپ ان لوگوں کو بتائیں جو آپ کے دائیں بائیں غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو ایسی احادیث بتائیں اور ان سے کہیں کہ آپ بتا دیں کہ اللہ کے رسول یہ باتیں کیسے بتا دیں. اگر سچے نبی نہیں تھے تو اللہ کے رسول یہ باتیں کیسے بتا دیں. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر بچہ، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کی وقت میں، کتنے حمل ٹھہر رہے ہیں، اور ہر ایک مرلے کو اللہ جانتے ہیں، اور ہر مرلے کی اللہ تخلیق کر رہے ہیں، ہر ایک کے پاس فرشتہ بھی آ رہا ہے، روح پھونک رہا ہے، ہر ایک کی یہ رزق، یہ اور چار چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا نظام دیکھیے. اس کے بعد پانچواں باب کیا ہے؟ باب کتابۃ الاجال والارزاق. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ عمر کے لکھے جانے کے بارے میں اور رزق کے لکھے جانے کے بارے میں. یعنی کہ اس باب میں بتایا جائے گا کہ ہماری عمریں بھی لکھی جا چکی ہیں، ہمارا رزق بھی لکھا جا چکا ہے. حدیث نمبر 119، روایت کرنے والے کون؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قالت ام حبیبہ اللہم متعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ام حبیبہ نے کہا، ام حبیبہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیگم، میری اور آپ کی ماں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن. یہ ام حبیبہ کہتی ہیں، اللہم اے اللہ متعنی بزوجی رسول اللہ، مجھے فائدہ دے میرے خاوند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی زندگی کے ساتھ. یعنی کہ اے اللہ میرے خاوند اللہ کے جو رسول ہیں، تیرے جو رسول ہیں، یا اللہ ان کو زندگی دینا تاکہ ان کی زندگی سے میں فائدہ اٹھاتی رہوں. یہ مطلب ہے. وابی ابی ابی سفیان، اور اے اللہ مجھے فائدہ دینا میرے باپ ابو سفیان کی زندگی کے ساتھ. وابی اخی معاویہ، اور مجھے فائدہ دینا میرے بھائی معاویہ کی زندگی کے ساتھ. مسلم شریف کی حدیث واضح طور پہ دلیل ابو سفیان کے ایمان پہ، معاویہ کے ایمان پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دعا ہو رہی ہے. ام حبیبہ پہلے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کا نام لیتی ہیں، پھر ابو سفیان کا، پھر اپنے بھائی معاویہ کا، اور کیا ان کی زندگی مانگ رہی ہیں کہ اللہ ان کو زندگی دے، وہ ام حبیبہ کی زندگی میں موجود رہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اور تو ابو سفیان کے لیے دعا کر رہی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو اندر سے منافق ہے، اپنے کلمہ اوپر سے پڑھ رکھا ہے. جیسا کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے گستاخ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دینے والے. روز قیامت جب اللہ کے رسول کو علم ہوگا تو اللہ کے رسول یہ تکلیف محسوس کریں گے کہ آپ کے صحابہ اکرام کے بارے میں کیسے باتیں کی گئیں. اب اللہ کے رسول نے ام حبیبہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی معاویہ یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو میرے آل بیت پہ ظلم کرے گا، ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گا، تم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہو، اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہو، تو دعا کرو کہ وہ تو مر جائے، وہ تو ختم ہو جائے، تاکہ میرے بچوں کو نقصان نہ ہو، میرے آل بیت کو نقصان نہ ہو. ایسی کوئی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں فرمائی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے پھر کیا کہا ام حبیبہ سے؟ آپ نے کہا انکی سألت اللہ لآجال مضروبہ وآثار موطوعہ وارزاق مقسومہ، کہ بے شک تو نے اللہ سے سوال کیا ہے کس بارے میں؟ مقرر کردہ عمروں کے بارے میں. تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی ہیں. یعنی کہ میری زندگی کا سوال کر رہی ہے کہ جب تک تو زندہ رہے میں بھی زندہ رہوں، جب تک تو زندہ رہے تیرا باپ زندہ رہے، جب تک تو زندہ رہے تیرا بھائی زندہ رہے. میری عمر، ابو سفیان کی عمر، تیرے بھائی
मुआविया की उम्र अल्लाह ताला के यहाँ लिखी जा चुकी है, तो इसके बारे में सवाल क्या करोगी? क्योंकि तूने अल्लाह से सवाल किया है उन उम्रों के बारे में जो मुकर्रर की जा चुकी, वह आसार मौतूआ, और उन कदमों के निशानात के बारे में जो रौंदे जा चुके, वह अर्जाक मकसूमा, और तूने सवाल किया उन रिज़्क़ के बारे में जो तकसीम हो चुके। यानी कि जब तुम मेरी जिंदगी का सवाल कर रही है, अपने बाप की जिंदगी का, अपने भाई की जिंदगी का, तो हमारी उम्र के बारे में सवाल कर रही है कि हमारी उम्र में इजाफा हो, हमारे हमारे रिज़्क़ के हमें मिलता रहे और हम दुनिया में चलते फिरते रहे। तो फरमाया तूने अल्लाह से सवाल किया है उन उम्रों के बारे में जो मुकर्रर की जा चुकी, और उन कदमों के निशानात के बारे में जो रौंदे जा चुके, और उन रिज़्क़ के बारे में जो तकसीम हो चुके। ला युअज्जिलु शैअ मिन्हा क़ब्ल हिल्ली वला युअख्खिरु मिन्हा शैअ बादा हिल्ली, अल्लाह ताला इन में से किसी चीज में जल्दी नहीं करेंगे उसका वक़्त आने से पहले। अल्लाह ताला इन चीजों में से किसी चीज को जल्दी लेकर नहीं आएंगे उसका मुकर्रर वक़्त आने से पहले। मौत उसी वक़्त आएगी जब लिखी हुई है, अबू सुफियान की भी, मुआविया की भी, और मैं भी उसी वक्त फौत होऊंगा जो मेरी मेरा वक्त लिखा जा चुका है। वला युअख्खिरु, और अल्लाह ताला लेट नहीं करेंगे, मिनहा इन में से शैअन किसी चीज को, बादा हिल्लिही उसका वक्त आ जाने के बाद। तो हमारे हमें वही जिंदगी मिलेगी जो लिखी जा चुकी है, ना उसमें कोई इजाफा होगा ना उसमें कोई कमी होगी। वलौ सअल्तिल्लाह, और अगर तू अल्लाह से सवाल करती, अल्लाह ताला तुझे आफियत में रखे, मिन अज़ाबिन फिन्नार जहन्नम के अज़ाब से, वअज़ाबिन फिल क़ब्री और कब्र के अज़ाब से, लकाना खैरन लका, तो ये दुआ तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होती। मुझे उम्मीद है कि हदीस बिल्कुल वादे हो चुकी होगी आप लोगों के लिए। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि बेहतर ये था कि तू सवाल करती कि अल्लाह ताला तुझे अज़ाबे कब्र से महफूज रखे, तुझे अज़ाबे जहन्नम से महफूज रखे। तू सवाल कर रही है मेरी उम्र के बारे में, अपने बाप की उम्र के बारे में, मुआविया की उम्र के बारे में। तो हमारी उम्रें तय हो चुकी, हमारा रिज़्क तय हो चुका, वो जो तकसीम हो चुका हमें मिलकर रहना है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये चीजें तो पहले से तय हो चुकी, सवाल करना चाहिए था कब्र के अजाब से बचने के बारे में, जहन्नम के अजाब से बचने के बारे में। तो कब्र का अजाब भी तो तकदीर में लिखा जा चुका है, जहन्नम का अजाब भी तकदीर में लिखा जा चुका है, तो इसके बारे में सवाल क्यों? तो इस सवाल का जवाब ये है कि पहली जो दुआ थी उसका ताल्लुक दुनिया से था, और दूसरी दुआ जो है उसका ताल्लुक किससे? आखिरत से। तो आपने ये नहीं कहा कि पहली दुआ ममनू है, हराम है, ये आपने नहीं कहा, आपको बता दूंगा तो जो कीजिएगा। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ये दूसरी दुआ ज्यादा बेहतर थी पहली के मुकाबले में, वरना किसी को ये दुआ देना अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकतें डाले, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जो दूसरी दुआ है लेकिन ये ज्यादा अजीम है कि आप किसी को आखिरत की दुआ दें, दुनिया की दुआ से बेहतर क्या आखिरत की दुआ दें, अल्लाह तुम्हारी आखिरत बनाए, अल्लाह तुम्हें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब से महफूज रखे। क्योंकि तो दुनिया के बारे में जिसको आप दुआ देंगे वो दुआ 30 साल के लिए होगी, 40 साल के लिए होगी, 50 साल के लिए होगी, और आखिरत की दुआ हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद बाब नंबर क्या है? 7। क्या है बाब नंबर? 6। बाब कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। यहाँ पे मैं एक तो दरख्वास्त आप लोगों से करना चाहूंगा, आप में से जिन भाइयों के पास किताब नहीं है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि किताब अपने सामने रख के फिर दर्स सुना करें, आपको फिर मजा आएगा। अगर आपको अब कुछ चीजें समझ नहीं आती तो उसकी वजह यह है कि आपके पास किताब नहीं, हदीस के अल्फाज आपके सामने होने चाहिए, चाहे आपको अच्छी अरबी नहीं आती। अगर ये किताब उर्दू में आपको मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू में शायद ये फिलहाल नहीं है, तो कम अज कम अरबी की ये अहादीस आप अपने सामने रखा करें। कहाँ से लेंगे आप किताब? ग्रुप में PDF की शक्ल में किताब दी गई थी, तो आप इसका प्रिंट निकालें, और मैं अपने भाई अब्दुल मोहसिन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इस किताब का PDF दोबारा वो दे दें ग्रुप में,
दोबारा इसका दे दें पीडीएफ, ताकि जो लोग बाद में शरीक हुए हैं वो इसका प्रिंट निकाल लें। तो ये किताब आप लोगों के सामने होनी चाहिए। एक बात मैंने ये करना थी। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मैं पानी काफी पी रहा हूँ, आपको दर्स देते हुए चाय काफी पी रहा हूँ। असल में कई दफा नींद आना शुरू हो जाती है, आपको पता नहीं चला गुज़िश्ता दर्स में मैंने आखिरी हदीस बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाई है, नींद का गलबा हो रहा था क्योंकि दिन के टाइम नींद पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे काफी नींद आ रही थी। आखिरी हदीस मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई है, पता नहीं आप में किसी को पता चला है कि नहीं पता चला नींद के बारे में, इसलिए मैं जरा चाय का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूँ तेज पत्ती के साथ ताकि नींद कम आए। तो बहरहाल अब ये छठा बाब है। बाब क्या है? कुल्लू मौलूदिन यूलद अल फितरा, हर बच्चा पैदा होगा किस पे? फितरत पे। हर बच्चा पैदा होता है किस चीज पे? फितरत पे। फितरत का मैना लफ्जी माना क्या होता है? पैदाइश। और मुराद क्या है? अल्लाह की फितरत से क्या मुराद है? कि वो हालत है जिस पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। फितरत का लफ्जी माना क्या है? पैदाइश। और फितरतुल्लाह, अल्लाह की फितरत, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह कि वो हालत जिस हालत पे अल्लाह ने बच्चों को, इंसान को पैदा किया। और वो क्या हालत है? वो तौहीद है, वो इस्लाम है। तो अल्लाह ताला ने हर बच्चे को इस्लाम पे पैदा किया है, तौहीद पे पैदा किया है। बाद में मुआशरा, सोसाइटी, वालदैन उसे खराब करते हैं। जब वालदैन बच्चे को कुरान पढ़ाने की बजाय, तफसीर पढ़ाने की बजाय किसी ऐसे स्कूल कॉलेज में भेजते हैं जहां पे कुफर है, जहां का माहौल बेहयाई है, फहाशी है, जिस माहौल में इस्लाम के खिलाफ बातें होती हैं, अल्लाह के रसूल के खिलाफ बातें होती हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के खिलाफ बातें होती हैं, नबी अलैहिस्सलाम की ज्यादा शादियों पर एतराज किया जाता है, इस्लाम की सजा, चोर का हाथ काटा जाए, इस पर एतराज किया जाता है, जहां पे ये चीजें पढ़ाई जाए आप अपने बच्चे को वहां भेजेंगे तो बच्चे के कुफर के जिम्मेदार आप भी हैं। अगर कल को वो काफर बन जाता है, और काफर बनना को मुश्किल नहीं है, कितने कलमा पढ़ने वाले हैं जो इस्लाम की किसी एक चीज का इनकार करते हैं तो कुफर की राह इख्तियार करते हैं। जब आपका बच्चा ये कहेगा बड़े आराम से कि इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना नहीं होनी, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो आप तो मुस्कुरा पड़ेंगे, लेकिन ये कुफरिया कलमा है जो आपका बच्चा कह चुका है, कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, अल्लाह की नाजल करता सजा के ऊपर इतराज कर रहा है। इस्लामी ममालक में आम तौर पे चोर को सजा नहीं दी जा रही, तो ये दुरुस्त नहीं है, देनी चाहिए, लेकिन इस पे अमल ना करना और चीज है, और इस सजा के ऊपर एतराज करना, इसको गलत समझना, इसको नामुनासिब समझना, ये तो अल्लाह के ऊपर एतराज है, कुरान के ऊपर एतराज है, अल्लाह के रसूल के ऊपर एतराज है, ये तो कुफरिया कलमा है। तो ऐसे कुफरिया अल्फाज वो बच्चे आम तौर पे बोल जाते हैं, मैं कह रहा हूँ आम तौर पे, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं ऐसे कॉलेज जहाँ पे इस्लामी माहौल नहीं है, जो ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं जहाँ पे इस्लामी माहौल नहीं है, और जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? नहीं जी, माशाल्लाह बाहर से पढ़कर आया है और अभी तक नमाज पढ़ता है। नमाज क्या पढ़ता है? अकीदा पहले है। उसके पास बैठे कभी, आपको बताएगा उसके जेहन में क्या गंद भरा हुआ है इस वक्त, इस्लाम के खिलाफ क्या शुक व शुबहात हैं। मिसाल के तौर पे उसके जेहन में ये बात बिठा दी गई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो इतनी ज्यादा शादियां की ये बात गैर मुनासिब है, तो ये आप किसके ऊपर इतराज कर रहे हैं? कुरान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर? ये तो कुफर हो गया। इसलिए मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ आपके बच्चों के बारे में, हमारे बच्चे, हम उनको दीन की गहरी मालूमात नहीं देते। क्या आपने अपने बच्चों को इस दौरे में शरीक किया हुआ है? लॉकडाउन के अय्याम हैं, आपके बच्चे फार्ग बैठे हुए हैं, टीवी चैनल्स देख रहे हैं, मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, क्या आपने उनको अपने साथ इस दौरे में बिठाया हुआ है? हम उन्हें दीन, गहरा दीन नहीं सिखाते। हमारा बच्चा तैराकी नहीं जानता लेकिन हम उसको समुन्द्र में फेंक देते हैं, यूनिवर्सिटियां समंदर हैं, दीन सिखाए बगैर उनको वहां फेंक देना ऐसे ही है जैसे आपने बच्चे को तैराकी सिखाए बगैर समुद्र में डाल दें और कहें कि ये खुद ही तैर लेगा, समझदार बच्चा है, वो थोड़ी देर बाद मर जाएगा वो तो। और आप इस खुशफहमी में है कि मेरा बच्चा कभी खराब नहीं होगा, मेरा बच्चा समुद्र में कभी नहीं डूबेगा, जब तैराकी सिखाई नहीं क्यों नहीं डूबेगा भाई? तो बहरहाल हर बच्चा जो है वो पैदा होता है किस चीज पे? फितरत पे। जनाब अबू हुरैरा से रवायत है, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अल फितरा, नहीं है कोई बच्चा, यानी कि हर बच्चा
मीन ज्यादा है ताकीद के लिए, नहीं है कोई बच्चा मगर वो पैदा होता है फितरत पे। दूसरे लफ्जों में आसान तर्जमा कि हर बच्चा फितरत ही पे पैदा होता है, और फितरत का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि दीन इस्लाम पे पैदा होता है, तौहीद पे पैदा होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जी, जो बच्चा जना से पैदा हुआ है, फौत हो जाए, जनाजा पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? वो तौहीद के ऊपर पैदा हुआ है, मुसलमान घर में उसकी माँ मुसलमान है, चाहे बदकार है, तो उस बच्चे का जनाजा आप पढ़ेंगे। अब अवाह युहब्बिदान ही और युनस्तिरान ही और युमजिसान ही, तो उस बच्चे के माँ बाप युहब्बिदान ही उस बच्चे को यहूदी बनाते हैं, वो मुसलमान था लेकिन वालदेन उसको यहूदी बना देते हैं, और युनस्तिरान ही या उसको ईसाई बना देते हैं, और युमजिसान ही या उसको मजूसी पारसी बना देते हैं, आग की पूजा करने वाला बना देते हैं। तो बच्चे को खराब करने के जिम्मेदार कौन हो गए? वालदेन। या तो बराए रास बच्चे को दीन इस्लाम के अलावा को और दीन सिखाएंगे क्योंकि वालदेन गैर मुस्लिम हैं, और या मुसलमान हैं लेकिन बच्चे को जो माहौल देंगे वो यहूदियों वाला या ईसाइयों वाला या पारसियों वाला या हिंदुओं वाला या सिखों वाला या मुल्हिदों वाला, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वालों के माहौल में फेंक देंगे, तो ऐसे माहौल में बच्चा फिर क्या होगा? वो गैर मुस्लिम होगा चाहे कलमा पढ़ता हो। कमातुन तदुल बहीमतु बहीमतन जमआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ऐसे बच्चे जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं वो अपने मुंह से कुफ्रिया लफ्ज़ निकालें तो हम नाम लेकर उन्हें काफर नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी को बकायदा तौर पे नाम लेके काफर कहने के लिए कई शरायत हैं। हो सकता है बच्चा जाहिल हो, इसको पता ही ना हो, कोई शुबा हो, इसके शुबे का इजाला ना किया गया हो, लेकिन उसके अल्फाज कुफरिया हैं, लेकिन उसको नाम लेके नहीं कहेंगे कि ऐ इस्माइल तू तो काफर है क्योंकि तूने ये लफ्ज कह दिया है, ऐसा नहीं होगा। कमा तुन तदुल बही मतु बही मतन जमा, जैसा के जानवर जन्म देता है, क्या जन्म देता है, किसको पैदा करता है? बही मतन, ऐसे जानवर को पैदा करता है, जमा जो सही सालम होता है, मुकम्मल आजाब वाला होता है। हल तो हिस्सू नफीहा मिन जदा, क्या तुम इन पैदा होने वाले जानवरों में कोई ऐसा जानवर देखते हो जिसका कोई उज्व कटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, नाक कटा हुआ हो? इनके जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाक ठीक होते हैं, उनके कान ठीक होते हैं, ऐसे हर बच्चा इंसानों का जो बच्चा पैदा होता है वो ठीक होता है, इस्लाम पे होता है, तौहीद पे होता है। सुम्मा यकूल अबू हुरैरा, फिर अबू हुरैरा कहा करते थे ये हदीस बयान करने के बाद कि फितरत अल्लाह अल्लती फतरन नास अलैहा, अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उस फितरत के मुताबिक जिस फितरत पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, यानी कि इससे पहले आयत क्या है उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फाकिम वजह काली दीन हनीफा, कि आप अपने चेहरे को दीन के लिए सीधा कर लें, हनीफा तौहीद पे रहते हुए, शिर्क वगैरह से बचते हुए, फितरत अल्लाह उस फितरत के मुताबिक, अल्लती फतरन नास अलैहा, जिस फितरत पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। तो इस हदीस से क्या पता चला कि हर बच्चा किस चीज पे पैदा होता है? तौहीद पे और इस्लाम पे पैदा होता है, फिर वालदेन सोसाइटी माहौल उसको खराब करते हैं। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ बार बार कि आपके बच्चे, आपके पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिस खालक ने ये नेमत दी है, इन बच्चों को उस खालक का इताअत गुजार बनाइए, उस खालक का कलाम सीखने वाला बनाइए, उस खालक के लिए नमाजें पढ़ने वाला बनाइए, उस खालक ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनसे दूर रहने की इनको तलकीन कीजिए, अल्लाह की दी हुई इस नेमत को अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो, जिस आग का ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये अहदीस सही मानों में समझने की तौफीक दे और अपने बच्चों की कुरान और हदीस के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ये तकदीर के मसाइल समझने की तौफीक दे, ये तकदीर के बड़े अहम मसाइल आगे भी आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि नागा करने से परहेज कीजिए। और हमारे शेख मोहतरम जनाब शेख शमसुज़्ज़मान हाफिज़हुल्लाह बार बार ये ऐलान दे रहे हैं कि जो बाकायदगी से इन लेक्चर्स में हाजिर होंगे उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट मिलेगा। कहाँ से? सऊदी अरब के शहर अलखुबर में जो दावा सेंटर है, जिनकी ज़ेरे निगरानी ये प्रोग्राम में दौरा हो रहा है, उनकी तरफ से इंशाल्लाह सर्टिफिकेट मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दिल लगाकर
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں یہ دروس سننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔